Students, today we will discuss about notice. How to write a suitable notice for 12 months. Notice 2012. Exam board में 12 class के exam board में question number 12 आता है notice. कितने marks का और ये 4 marks. और marks का question पूछा जाता है और का question 12 number का question. ठीक है. चार नंबर फ्री के नंबर है आपको चार में से चार नंबर मिलेंगे अगर आप मेरे कहने के अनुसार नोटिस लिखो दे कुछ नहीं करना बिल्कुल इजी है नोटिस लिखना कोई हार्ड टास्क नहीं है आपको सब पढ़ेगा सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है और कौन पूछ रहा है दो बातें ध्यान रखना इसके अंदर भी बड़े होंगे नंबर फॉर्मेट के होते हैं वन मार्क्स और कंटेंट इसके होते हैं टू मार्क्स कितने मार्क्स टू मार्क्स और नेक्स्ट है कंटेंट टू मार्क्स और एक्सप्रेशन सब एक्सप्रेशन क्या है वन मार्क्स टू मिला के फोर मार्क्स इजी है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है आपको समझना है और इसके बाद में लिखना सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना आसान से पढ़ना यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आप कौन हो प्रिंसिपल हो अपने स्कूल के प्रिंसिपल नोटिस लिखने वाला कौन है प्रिंसिपल है किसको लिखना है विद्यार्थियों को लिखना है योर स्कूल इज योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज क्या होगा ऑर्गेनाइज आयोजन करना कि तुम्हारी स्कूल एक नोटिस का एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है कौन सा कार्यक्रम एजुकेशनल टूर यह है इसका नोटिस किस पे लिखना एजुकेशनल टूर पे लिखना है कब होगा अगले वीक नेक्स्ट वीक को होगा आपको नोटिस लिखना है कितने और एक 50 शब्दों में नोटिस लिखना है ठीक है सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है स्कूल का नाम अगर पेपर में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो तो ठीक है नहीं हो तो मन से लिखना है कोई सी स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नाम लिख दो गवर्नमेंट स्कूल नाम लिख दो लिखते समय स्कूल का नाम कैपिटल अक्षरों में आएगा जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर यह हो गया इस पर ठीक है इसके बाद में एक लाइन खाली छोड़नी है एक लाइन इसके बाद खाली छोड़नी है लेटर साइड तारीख कौन सी तारीख कैसे मालूम पड़े तारीख कौन सा जिस दिन आप पेपर दे रहे हो एग्जाम दे रहे हो उस दिन की तारीख डालनी है जैसे 8 तारीख हो गई 4 तारीख सबसे पहले दिन उसके बाद महीना जे यू एन ई जून और कुमारवाणी महीने के बाद में 2020 ये हो गई डेट डेट के जस्ट नीचे वाला लिखना नोटिस नोटिस लिखना कैपिटल क्या लिखना नोटिस और नोटिस को अंडरलाइन करना भी कंपलसरी है इसको बिल्कुल भी भूलना मत स्कूल का नाम कैपिटल लिखना है जरूर नहीं फुल फॉर्म लिखो शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो लेकिन कैपिटल में आना चाहिए जस्ट एक लाइन खाली छोड़ के तारीख डालनी है तारीख की जस्ट पीछे लाइन में नोटिस बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए स्कूल के नाम का भी नियम है कि जितनी जगह यहाँ छोड़ी उतनी जगह यहाँ रहनी चाहिए अगर दूरी आगे भी छोड़ी तो माफ कर सकते हैं बढ़ने की बजाय कितने शब्दों में ओनली एंड ओनली 50 वर्ड्स हाँ जी इसके बाद में लिखना सब्जेक्ट एक लाइन खाली छोड़ के सब्जेक्ट कहा सब्जेक्ट नोटिस लिखना है योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन ग्रुप यह है इसका सब्जेक्ट तो यहां से नोटिस के जस्ट नीचे कैपिटल अक्षर एन एजुकेशनल टू यह हो गया इसका सब्जेक्ट एक कॉमा सुल्टी एक यह हो गया नोटिस का सब्जेक्ट इसके जस्ट नीचे हो रहा है थोड़ी जगह छोड़ के यहां से
दैट यहां पर ये लाइन ऑफ कंपास निकले। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कुछ याद नहीं करना, उसके बाद उसमें से कॉपी करनी है। यहां से योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, यहां पर तो जहां योर था इसको वाई को हटा दिया और बन गया आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर। तब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ठीक है, याद रख दिया कि हमारा विद्यालय एजुकेशन टूर के द्वारा है अगले सप्ताह, ठीक है, तारीख देगी अगले सप्ताह की तारीख दे सकते हो आप नेक्स्ट वीक, यहां से नहीं मैंने कहा। ऑल द सॉरी नॉन स्टूडेंट दोज स्टूडेंट्स वो आर इंटरेस्टेड टू गो इन दिस टूर दे गिव देयर नेम्स टू अंडर साइन यू एंड अंडर साइन विद आर एस 5000 बिफोर 10 जून। बस ये तुम्हारा नोटिस हो गया, एक घंटे खाली छोड़ना है, उसके बाद लिखना है यहाँ पर कोई भी नाम आर के शर्मा, कौन आर के शर्मा प्रिंसिपल, यहाँ डेजिग्नेशन प्रिंसिपल, इसके बाद है इसको बाउंड्री को बंद कर चारों ओर का रिकॉर्ड है ना बंद कर दो, ये नोटिस कंप्लीट हमारे फोर मार्क्स कंप्लीट 50 वर्ड्स गेनिंग में बैठ जाना कि 1 2 3 जरूर नहीं आपका 50 वर्ड्स हो गया कंप्लीट है। शायद इसमें एक और दो से दो कहां कहां जाएंगे हम विल विजिट जोधपुर उदयपुर एंड शिमला, ठीक है।